love you, Shaq. I love you. जैकी सर, आप हिंदी फिल्मों में आप किनसे इंस्पायर थे? एक तो देव साहब हो गए, दत्त साहब, सुनील दत्त साहब। दत्त साहब की तरह वॉक करता था मैं, का एक पिक्चर देख लिया था बाबा का, कोई मुझे जीने दो ऐसे विलन का, तो मैं यहाँ पे काला टीका लगा के काला पैंट और काला कुर्ता, लंबे बाल, और जब मैं वॉक पे चलता था तो लड़कियां सामने से टर्न करके निकल जाती थी, कोई रोड क्रॉस करता था, कोई बिल्डिंग में घुस जाती थी और मैं चला जाता था। मैं डाकू तो बन नहीं सकूं, डाकू नहीं बनना, फिर देव साहब बन गया। तो रोमांस, ये रोमांस जो रेडियो का रोमांस होता है, 11 से 11:30 मास सुला देती थी, रेडियो चालू कर देता था बेला के फूल, तो इतने अच्छे अच्छे गाने होते थे तो मुझे लगता था कि रोमांस यही है। वैसे तो कुछ नहीं कि आंखों में जुल्फों पलखों पलखों ऐसे बोलते तो उन लोग, मुझे आज देख लो पागल तो नहीं हो गया, जुल्फ की बात कर रहा है, पलखों के नीचे सो जाऊंगा, जुल्फों के नीचे ऐसा कुछ नहीं है हम लोग। तो रोमांस है लाइफ में, बड़ू रोमांस देव साहब और वॉक दत्त साहब, यू बैठा हो सामने। ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज कई बार होता है हम लोग किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब हमारे लेजेंड हैं, तो जब जैकी साहब किसी फिल्म की शूट कर रहे थे तो तब बच्चन साहब ने जैकी जी को फोन किया कि मेरे बच्चे आपके फैन हैं और आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। सर ये बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि बच्चन साहब के बच्चे आपका ऑटोग्राफ लेने आए थे चेन्नई, चेन्नई में शूटिंग कर रहा था ताज कारोमंडल। अच्छा, और हम लोग सब बच्चन साहब रह रहे ऊपर, कहाँ पर बोला पूरा फ्लोर बुक कर लिया। बोला अच्छा, मैं शूटिंग वूटिंग करके आया वापिस से अपने 5वें माले पे एक छोटे कमरे में, तो मुझे घंटी बजी, बोले कोई मिलना चाह रहे हैं। बोले कौन है? बोले बच्चन साहब के बच्चे हैं। तो क्या है? ऑटोग्राफ। मैं बोला यार, उस वक्त मुझे ऐसा रियलाइज हो कि मैं वाकई हीरो बन गया। I love you.